दोस्तों पिछले 3 साल से जिस चीज का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने दर्जनों वीडियो बना दी होंगी अपने इस चैनल पे, वो चीज आज बिना कुछ बताए बिना कुछ बोले अनवील कर दी गई है। जी हाँ, मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ महिंद्रा थार 5 डोर के बारे में। अभी से 1 घंटे पहले यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उससे 2-3 घंटे पहले महिंद्रा थार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसका नाम है द SUV महिंद्रा थार रॉक्स। जी हाँ, सही सुना आपने, महिंद्रा थार 5 डोर नहीं होगा इसका नाम होगा महिंद्रा थार रॉक्स। वैसे तो हम सभी लोगों को उम्मीदें थी ये अर्माडा इसका नाम होना चाहिए, लेकिन क्या पता महिंद्रा ने इससे भी कुछ बढ़िया सोच रखा अर्माडा के लिए। वैसे तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि थार रॉक्स भी इसका एक पेटेंटेड नाम है, जो कि हो सकता है और वही हुआ भी, बट ज्यादा उम्मीदें वैसे अर्माडा की थी। लेकिन चलो उस चीज को साइड हटाते हैं, अब आते हैं मेन चीज पे, जो है ट्रेलर। महिंद्रा थार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये ट्रेलर अपलोड कर दिया गया है महिंद्रा थार 5 डोर का। ये काफी खतरनाक सरप्राइज मिला है हमको महिंद्रा की तरफ से, जो कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर 15 अगस्त को इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा, तो ये तो निश्चित था कि इसका हाइप बनाने के लिए थोड़े से ट्रेलर्स तो अपलोड करे ही जाएंगे। बाकी महिंद्रा ने भी अच्छी चीज करी है, ज्यादा सस्पेंस ना बनाते हुए सारी चीजें बता दी गई है इस ट्रेलर के अंदर। मतलब सब कुछ तो नहीं बताया, लेकिन हाँ मोटा मोटा हर चीज पता चल चुकी है हमें इस गाड़ी के बारे में। सबसे पहले आप लोग ट्रेलर देखो, और अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हमको पता चली हैं इस ट्रेलर से और क्या क्या हम उम्मीदें लगा सकते हैं नई वाली महिंद्रा थार 5 डोर रॉक्स से। सबसे पहले तो ये है हमारी महिंद्रा थार 5 डोर नई वाली, जिसका नाम कंपनी ने महिंद्रा थार रॉक्स रख दिया है। अब इस वाली फोटो में थोड़ा मिर्च मसाला डाल के हमने थोड़ा विजिबल बनाई है इसको। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसका ओवरऑल कंपोजिशन वही सेम रखा गया है 3 डोर जैसा, बस इसकी लेंथ बढ़ा दी गई है। इसके अलावा ज्यादा नहीं बट थोड़ी चेंजेस करी गई है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो कंपनी हमें खुद से ही थोड़े बहुत मॉडिफाइड हेडलाइट देने लग गई है। LED हेडलैम्प इसके अंदर मिलने वाले हैं, सी शेप में रहने वाले हैं इसके LED DRL और बीच में रहने वाला है हेडलैम्प प्लेसमेंट। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा 3 डोर थार के अंदर लोग लगवाते थे, उसी के बगल में आप देख सकते हो छोटा स्लीक सा इंडिकेटर, जो कि काफी बढ़िया लगता है इसके फेंडर पे। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर 5 स्पोक के 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलने वाले हैं, जो कि डुअल टोन में रहेंगे सिल्वर फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जो कि इस गाड़ी पे थोड़ा थोड़ा जच भी रहे हैं और पुराने वाले की जगह ले भी लेंगे आराम से। इसी के साथ साथ ORVMs वही रहने वाले हैं हमारी 3 डोर थार की तरह, बट नीचे की साइड हमको 360 कैमरा का एक हम्प मिल जाता है, जिसको मैं जस्टिफाई करूंगा अगले फ्रेम में। बट जैसे कि आप लोग देख सकते हैं रॉक्स की बैजिंग ना देखे थार की ही बैजिंग है 3 डोर थार की तरह। पीछे की साइड भी थोड़ी मॉडिफाइड लुक रखने वाली सी शेप की LED टेल लाइट मिलती है हमको, जो कि थोड़ी सी नई होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है। उसी के बगल में आप लोग देख सकते हैं 4x4 की बैजिंग मिलती है, यानी कि ये गाड़ी भी 4x4 और हो सकता है आगे चल के 4x2 के साथ भी आए। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो विंडशील्ड पे हल्का सा टिंट मिलेगा, यानी कि टिंटेड विंडशील्ड मिलने वाली है आपको इस गाड़ी के अंदर। नीचे आपको वही बॉक्सी सा व्हील आर्क देखने के लिए मिलेगा, बट ये क्या फेंडर पे हमको मिलता है इंडिकेटर, जो कि थोड़ा सा बेस मॉडल वाली फीलिंग देता है। अब पता नहीं भाई ये इंडिकेटर है या फिर कोई बैजिंग, वैसे तो इंडिकेटर ही लग रहा है क्योंकि ORVM पे कोई भी इंडिकेटर नहीं है। जो चीज इस गाड़ी के लुक्स को चेंज करेगी वो है इस गाड़ी की ग्रिल, जिसको आप देख सकते हैं वही सेम है जैसे कि अभी 2-3 दिन पहले लीक्ड इमेजेस में हमको दिखी थी। बीच में आपको फ्रंट कैमरा भी दिख रहा होगा, जिससे आपको जस्टिफिकेशन मिल जाएगी कि इस गाड़ी के अंदर हमको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है। अभी फिलहाल के लिए तो ट्रेलर में खाली यही सब चीजें पता चली है, बाकी इंजन तो आप लोगों को पता ही है 3 डोर थार वाला ही रहने वाला है इंजन इसका, बस थोड़ा और रिफाइंड कर दिया जाएगा इसके बॉडी वेट के हिसाब से। बात करें इस गाड़ी के लॉन्च डेट की तो 15 अगस्त अभी भी इस गाड़ी की एस्टिमेटेड लॉन्च डेट बताई जा रही है, और अगर प्राइस की बात करें तो 15 लाख ऑनवर्ड्स ये गाड़ी शुरू हो जाएगी 4x4 वेरिएंट इसका, और 4x2 अगर ये आती है तो 10 लाख रुपए एक शोरूम से स्टार्ट हो जानी चाहिए। बाकी अभी तो इस गाड़ी का ये पहला ही ट्रेलर था, अभी तो और भी एक्साइटिंग ट्रेलर्स और फीचर्स रिवील होना बाकी है, जिनको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप और वीडियो को लाइक कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही कोई भी ऐसा ट्रेलर या एक्साइटिंग न्यूज आती है हम आपके लिए वीडियो जरूर बनाते हैं, और जितना जल्द से जल्द हो सके उतना जल्दी। बाकी कैसी लगी आपको आज की वीडियो और महिंद्रा थार 5 डोर कमेंट्स में बातचीत करते हैं। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं ऐसी किसी बड़ी सी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑसम स्टे सेफ, बाय बाय।